जय भोले जी की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के दुर्घटना बीमा राशि में वृद्धि के साथ जीवन रक्षक एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी की जाएगी। मंगलवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने सचिवालय में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये सभी निर्देश दिए। श्री मनोज सिन्हा जी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के संचालन से संबंधित सभी पहलुओं की विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिसमें पवित्र गुफा, इलाका, आवास और तंबू सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्था, यात्रा की अवधि, मौसम की स्थिति, पंजीकरण प्रक्रिया, लंगर व्यवस्था शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न लोगों की भूमिका और यात्रा के संचालन में उनके सक्रिय योगदान के बारे में जानकारी ली। मनोज सिन्हा जी ने बैठक में श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपात मामलों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए सुसज्जित और पर्याप्त कर्मियों की संख्या वाले CHC की स्थापना की जाए। उन्होंने बोर्ड के CEO से यात्रा के दौरान पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पड़ोसी राज्यों से संपर्क करने को कहा। उन्होंने उचित सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिक NGO और धार्मिक संगठनों को व्यवस्था तंत्र में शामिल करने को कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2019 में आर्टिकल 370 और 350A को हटाने से पहले अगस्त माह के शुरुआत में ही यात्रा को रोकना पड़ा था और वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते यात्रा का संचालन नहीं हो पाया था। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।